हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक फार्म हाउस में 20 वर्षीय युवती के साथ कथित रूप से भाजपा के एक पदाधिकारी सहित चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। शहडोल जिले के भाजपा अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में विजय त्रिपाठी का नाम आने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से जैतपुर मंडल अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया और पार्टी से उसकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य ने बताया कि युवती को चार लोगों ने अगवा किया और वो उससे जैतपुर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गाड़ाघाट इलाके में एक फार्म हाउस में ले गए। वहां उन्होंने युवती को जबरदस्ती शराब पिलाई और 18 और 19 फरवरी को उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने कहा कि आरोपी दुष्कर्म के बाद युवती को 20 फरवरी को उसके घर के सामने गंभीर अवस्था में फेंक कर फरार हो गए। वैश्य ने बताया कि पीड़िता ने रविवार को चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़िता की हालत सही नहीं होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य ने बताया कि चारों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस बीच शहडोल जिले के भाजपा अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने एक बयान जारी कर ये बताया कि मीडिया द्वारा ये मामला पार्टी के संज्ञान में आया है कि विजय त्रिपाठी मंडल अध्यक्ष भाजपा जैतपुर के ऊपर जैतपुर में दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। धारा 376, 342 और 34 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा के जैतपुर मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी, शिक्षक राजेश शुक्ला, मुन्ना सिंह व मोनू महाराज के खिलाफ धारा 376, 342 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि 18 फरवरी की शाम करीब 7:30 बजे घर के बाहर टहलने निकली थी। उसी समय एक कार आई, उसमें से कुछ लोग उतरे और मेरा मुंह दबाकर जबरन कार में बिठा लिया। वो मुझे जैतपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर गाड़ाघाट स्थित फार्म हाउस में ले गए। मुझे पहले नशे का इंजेक्शन दिया गया, फिर शराब पिलाई गई, फिर चार लोगों ने दुष्कर्म किया। 20 फरवरी को मेरी तबीयत बिगड़ने के बाद रात करीब 9:30 बजे बेहोशी की हालत में वो मुझे घर के सामने छोड़कर चले गए। कराहने की आवाज सुनकर परिजन बाहर निकले और मुझे उठाकर अंदर ले गए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।